गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी थोड़ा क्यारी में जाऊँ, अपने छोटे से खेत में जाऊँ और देखते हैं ऑर्गेनिक खेती क्या रिजल्ट दे रही है हमको। सुनने में आया कद्दू, खीरा और नींबू नींबू लग गए हैं। भाई गाइस लेट्स गो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई लेट्स गो, कम ऑन। जब हम जा रहे हैं खेत में, और अभी खेत में है मम्मी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? वीडियोस देख रहे हैं आजकल, मजा आ रहा है क्या? आज कहीं जा नहीं पाया एक्चुअली, तो इसलिए खेत में ही जा रहे हैं। अरे कुछ तो करना ही है ना बाबा। तो गाइस फाइनली मैं अब अपने खेत में पहुंच चुका हूं, और ये है मेरी क्यारी। ये मम्मी यहाँ पर जो है क्यारी में काम कर रही है। सो मम्मी क्या कर रहे हो आप? हैं क्या कर रहे हो आप? एक बार इधर देखो, हमारे ऑडियंस को हाय कर दो। ये मेरी माता श्री है, और बहुत ज़्यादा काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करती रहती है। एंड थैंक यू सो मच गॉड कि आपने धरती पे माँ बनाई, माँ का रूप लाया। मतलब मैं आपको बताऊँ कि जितना काम किसी घर में एक माँ करती है ना, शायद ही दुनिया में कोई कर पाता होगा। सुबह से शाम तक, मतलब विदाउट किसी सैलरी के, घर में बस नौकर की तरह काम करते रहो। मेरे से जितना हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ वैसे मम्मी की, लेकिन जब मैं घर पर नहीं होता फिर तो माँ को ही काम करना पड़ता। तो गाइस जितना हो सके माँ को हेल्प कीजिए घर में। अगर लॉकडाउन तो है ही, घर में कम से कम मम्मी को तो हेल्प कर ही सकते हैं आप लोग। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारी क्यारी में जो है सिंचाई हो रही है। ये मिर्च के पौधे जो कि अभी सींचे जा रहे हैं, क्योंकि दो तीन दिन हो गए हैं पर बारिश नहीं आई अभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ किधर कद्दू लगा है। किधर लगा है माँ? एट सेकंड का, एक तो ना इतनी जल्दी से दिखते नहीं है इसलिए कद्दू बच जाते हैं। देख रहे होंगे आप छोटे छोटे से कद्दू लग रहे हैं, लेकिन एक इधर बड़ा कद्दू लगा है पर दिख नहीं रहा। देख ले मैंने। तो गाइस ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए आप कद्दू। गाइस कद्दू तो लग गए है ना गाइस। लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें ये मिर्च के पौधे भी छोटे छोटे थे, आज आप देख लीजिए मिर्च के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और कुछ दिन में इनमें मिर्ची भी लग जाएगी। ये हल्दी है गाइस। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है हल्दी के पौध, आप देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। और मेरी लास्ट वीडियो आप देखना, उसमें बहुत छोटे छोटे थे ज़मीन भी। और गाइस इधर मम्मी ने फिर से राई बोई है, क्योंकि ये ऐसा है कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और खाने के लिए ऑर्गेनिक खेती है पूरी, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है राई। इधर हमारी खीरा लगा रखी है गाइस। ये भिंडी के पौधे, भिंडी के पौधे गाइस। तो गाइस ये खीरा के पौध में पहुंच गए, देखते हैं अंदर कोई खीरा लगी हुई है। देखिए गाइस छोटी छोटी सी लगी है। ये देखिए गाइस आप देख पा रहे होंगे खीरा, ये हमारे खीर। और गाइस ये देखिए आप चुल्लू का पेड़ यहाँ पर लग रखा है, अभी पौधा है लेकिन इसको मैं कहीं रोपूंगा ताकि ये पेड़ बन जाए और हम जो है कुछ सालों बाद इससे जो है चुल्लू तोड़ेंगे। तो गाइस मिर्चों की सिंचाई तो हो गई और अब हो रही है राई की सिंचाई। एक बार राई की सिंचाई हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जरा इधर खीरा और कद्दू।
तो गाइज मैं अभी यहाँ पर खेत में आ रखा हूँ, ऊपर देख रहे हैं बापू जी बैठे हैं हमारे। तो मैं खेत में, और खेत आप देख पा रहे होंगे गिल्ला है, लेकिन मेरे को क्या है, मेरे को तो आपको खीरा दिखानी है गाइस। खीरा दिखाता हूँ मैं आपको, है लुक एट हियर। कोई नहीं मम्मी, कोई नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा खेत में। ये देखिए गाइस, खीरा लग रही है। और गाइस एक खीरा और मिली है, मैं दिखाता हूँ आपको, है ये देखिए, लुक एट दिस गाइस, खीरा लग रही है। और अब एंजॉय लेंगे, नमक के साथ खाएंगे इसको, पे लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है घर में ऑर्गेनिक खेती का जो एंजॉय है, जो मज़ा है, मतलब आपको ऑर्गेनिक मिलती है हर चीज़। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आप अपने हाथों से किसी चीज़ को उगाते हैं और उसमें बिना यूरिया, बिना किसी केमिकल के, विदाउट यूजिंग आप उसको खाते हैं, मतलब उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हो रखा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना पौष्टिक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक ही सही बोलते हैं। और गाइस, सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पीछे देख सकते हो आप, मेरे घर की खेती है, वैसे मेरे को क्यारी बोलते हैं। अरे देख रहे हैं आप, गिल्ली है। अब मुझे लगता है मुझे डांट पड़ने वाली है माँ से, लेकिन मैं उससे पहले निकल लेता हूँ यहाँ से। निकल लो गाइस। तो मैं अब आपको दिखा दूँ, ये है हल्दी, टर्मरिक। पिछले 3 सालों से निकाली नहीं है मम्मी ने, कहते हैं कि जितने देर तक आप इसको ज़मीन में रखोगे ये उतनी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। अब ये है अरबी, अरबी का नाम तो सुना होगा आपने, अरबी है, कुचाई हम इसको बोलते हैं। इसके पत्ते का पतोड़ बना के भी खाते हैं और ये भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और इसके अंदर फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो गाइस वैसे तो नीचे ये बहुत मुश्किल से ही मिल पाते हैं, लेकिन पहाड़ों में खासकर लोग इसको यूज़ करते हैं खाने में। तो ये अरबी है, और इधर भी हमारी जो है, देखो देखो देखो, ये भी मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं। ये हमारा नींबू का पेड़ है। अब मैं खेत के बीच से निकलता हूँ शॉर्टकट। तो गाइस, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, ये लग रखे हैं, इनको कहते हैं हम खटाई, छोलिंग बोलते हैं हम इसको। खैर अभी छोटे हैं, इससे बड़ा भी है। कहाँ पे पापा? हाँ, बड़ा नींबू बोलते हैं इसको। इधर भी देखिए आप, मुझे गुंजाइश नहीं थी इस बार की लगेंगे, लेकिन लग गए। देखो आप, इसे कहते हैं बड़ा नींबू, जिसे हम जो है सर्दियों के टाइम पे छत पे बैठ के और धूप लगी हो तब इसको हम ज़्यादातर खाते हैं। तो गाइस ये मेरा छोटा सा खेत है और बहुत मज़ा आता है गाइस। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा आप कुछ मत कीजिए घर में, आप छोटी सी क्यारी बनाइए अपने हाथों से, उसमें बीज बोइए, देखिए आप किस तरीके से रिजल्ट मिलता है, और आपको इतना अच्छा फील होगा उसके बाद कि आपने खुद जिस चीज़ को उगाया है और अपने हाथों से, उसके बाद आप उसके जो है रिजल्ट देखते हैं कि अच्छी अगर उसमें फसल आती है। ये भी देखिए आप, इसमें भी ये कद्दू का फूल है, कद्दू लग रहे हैं गाइस। तो और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा अमरूद का पेड़। ये है अमरूद का पेड़, आप इसके पत्ते देखिए, ये अमरूद के पेड़ के पत्ते होते हैं। तो देख रहे हैं आप, एंजॉय चल रहा है घर में लॉकडाउन। सो मच गाइस पूरी वीडियोस देखने के लिए, और बस मेरा एक ही कहना है आपसे, घर में ऑर्गेनिक खाइए। और क्या है कि मार्केट से तो सब्जियां मिल ही जाती है, लेकिन जो मज़ा घर की खेती में है ना, जो खुद उगा के खाने में है, वो टेस्ट ना तो बाज़ार की सब्जी मिलेगा और ना आपको किसी पैकिंग वाली सब्जी मिलेगी। तो गाइस थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप वीडियोस को प्यार देते रहिए, और दोबारा मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।